हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही यूनिक टॉपिक देखेंगे। यूनिक मतलब भाई, मतलब बहुत जगह आंसर नहीं मिलता है इसका, पर हर क्वेश्चन हर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है और हर एक के दिमाग में इसका जवाब थोड़ा सा प्लस माइनस रहता है। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एनर्जी। पावर एनर्जी के बीच में डिफरेंस क्या होता है? बहुत ही थिन लाइन है, पर इसमें कंसेप्चुअलाइज अगर आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो ये थिन लाइन आपके लिए बड़ी बात नहीं है, पर जिसको नहीं मालूम है उसके लिए बहुत बड़ा बात होता है कि क्या बताए क्या नहीं बताए। इसको आज हम कंसेप्ट समझते हैं, तो उसके बाद एंड ऑफ द वीडियो आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी कि पावर और एनर्जी में फ़र्क क्या है। तो लेट्स बिगन। तो उसके पहले समझने के पहले उसके जो एब्रीविएशंस है, दैट इज व्हाट इज एम्पियर, किलो वाट एंड किलो वाट आवर, ये समझना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम वो पावर और एनर्जी में फर्क कर पाएंगे। एम्पियर को हम यहाँ पर टॉपिक में एम्पियर को हम ए बोलने वाले हैं, किलोवाट को केडब्ल्यू लिखने वाले हैं, किलोवाट आवर को केडब्ल्यू एच लिखने वाले हैं। ये आगे के स्लाइड्स में ऐसे लिखे जाएंगे, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किसको हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा एम्पियर और किलोवाट के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्पियर एंड किलोवाट। दोनों ही पावर के ही टर्म्स है, दोनों का मतलब पावर ही होता है, थोड़ी देर के लिए समझते हैं। पर दोनों में अंतर क्या है? एम्पियर इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किलोवाट इज ऑल्सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एम्पियर कैन बी मेजर डायरेक्टली विद क्लाइमेटर, जो आपने देखे होंगे क्लाइमेटर बहुत से जगह पे ऐसे आपके फैक्ट्री में आपके कंपनी में, उससे आप एम्पियर मेजर कर सकते हो। किलोवाट मेजर करने के लिए आपको चाहिए एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर चाहिए, या फिर आपके पास एक फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूले से आप ये निकाल सकते हैं किलोवाट। एग्जांपल हम पकड़ते हैं मोटर, थ्री फेज मोटर है, 5 एम्पियर होकर करंट लेता है। ठीक है, हमने मेजर किया टॉर्क टेस्टर से, 5 एम्पियर लिया, ये डायरेक्टली आंसर आ गया क्लैंप से लिए। तो इसका किलोवाट निकालें क्या रहेगा, किलोवाट इज इक्वल्स टू 1.732 इंटू वोल्ट इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर, जो 1.732 इंटू वोल्टेज 0.33, करेंट हमको मालूम था 5 है, पावर फैक्टर 0.8 लिए, तो हमारा है 3 किलोवाट का। ठीक, 3 किलोवाट का हमारा आया, ये मोटर है हमारा। ठीक, तो ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है एम्पियर और किलोवाट में। 3 किलोवाट को वापस से आप कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में, तो आएगा 5 एम्पियर। ठीक है, ये फॉर्मूले को आप उल्टा यूज़ कर सकते हैं, आपको सेम आंसर आएगा 5 एम्पियर। ठीक है, ये आप करके देख लीजिए। फिर आते हैं अपन किलोवाट और किलोवाट आवर में फ़र्क क्या है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एम्पेयर किलोवाट समझ में आ गया, अभी हम किलोवाट से किलोवाट आवर में डिफरेंस समझते हैं। किलोवाट ऐसे हम पहले देखे थे, इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इन किलोवाट आवर इज अ वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आवर लग गया है ना इसके ऊपर, ये आवर इसने खेल बिगाड़ दिया। आवर मतलब टाइम होता है, ओवर आवर 1 घंटा या 2 घंटा, तो किसी रेफरेंस से बात करेंगे अपन। 12 से 1 हुए तो 12 से 1 घंटा हुआ ना, 11 से 2 बजेंगे तो मतलब 11 से टाइम पकड़ेंगे तो उसका टाइमिंग होगा 3 घंटे का या 2 घंटे का। ठीक है, तो एक रेफरेंस पॉइंट लगता है इसके लिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिखा गया है। ठीक है, अब सेम एग्जांपल लिए हमने, जैसे हमने पहले 3 फेज मोटर का हमारा 5 HP एम्पेयर करेंट था, इससे हमने निकाले कितना किलोवाट है, तो हमारा आया 3 किलोवाट, जो हमने पिछले स्लाइड में देखे थे। ठीक है, अब भी इसको KWH बोलना चाहेंगे, KWH निकालना है अगर हमको, तो 1.732 इंटू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर इंटू आवर। ठीक है, ये घुस गया इसके अंदर आवर, क्योंकि KWH में सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है आवर। तो हमारा आंसर 1.732 वोल्टेज 0.433 किलो वोल्ट में लिखने के लिए, 5 एम्पियर करेंट है, पावर फैक्टर 0.2, और हम चाहते 2 घंटे का निकाले इसके अंदर। आवर इक्वल टू 2 आवर्स, डायरेक्टली मिनट्स लिखेंगे तो अलग रहेगा। ठीक है, मिनट्स में नहीं लिख रहे, आवर्स में लिख रहे हैं। तो हमारे KWH कितना है, 6, तो 6 यूनिट ये लेगा, यूनिट 2 घंटे में, 2 आवर्स। ये डायरेक्टली समझ सकते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा काम तो इसीलिए 3 किलोवाट लिखा है, इसको 1 घंटे में हो गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 किलोवाट आवर आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 किलोवाट आवर आ गया।
तो आवर जहाँ पे आ गया वहाँ का मतलब होता है के डब्ल्यू एच, किलो वाट आवर, और जहाँ पे आवर इन्वॉल्व नहीं है ना, बाय डिफॉल्ट वन पकड़ सकते हैं अगर आपको तो पकड़ सकते हैं, तो 3 किलो वाट का हो गया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वन नहीं पकड़ सकता है इसके अंदर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका 1 घंटे तक 3 किलो वाट ही आपका पूरा मोटर चलते रहे चीज़ों को लेकर, ठीक है। 3 किलो वाट लोड में ही रहे, तो किलो वाट के आवर का डिफरेंस निकालना है, तो आपको प्रीवियस रीडिंग और आज की रीडिंग, मतलब जो भी रीडिंग है आपको, 11 बजे की रीडिंग है आपकी 5 kWh, और 12 बजे की रीडिंग है 6.5 kWh, सेम मोटर चली पर आपका कंजम्पशन हो गया 1.5 kWh, 6.5 - 5, ठीक है, 1.5 kWh। क्योंकि 3 किलोवाट की मोटर जरूरी नहीं कि कंटिन्यू जो 1 घंटा है फुल लोड पे चले, वो फुल लोड पे पूरा नहीं चल रही होगी, इसीलिए वो यूनिट जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने, ठीक है। और इसको ब्रीफिंग समझते हैं, जो मैंने पहले कहा किलोवाट और किलोवाट आवर के बीच में डिफरेंस क्या है। इसको हम देखिए ये ग्राफ समझेंगे, तो 8 किलोवाट इसका पावर गया था, पीक पावर गया था, ये टाइम का कर्व है, यह टाइम दिखा रहा है, यह पावर दिखा रहा है, ठीक है। ये पावर देखिए यहाँ से चढ़ा, ये टाइम पे नॉर्मल रहा, ये टाइम पे पीक चढ़ते 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 गया, और यहाँ पे 8 किलोवाट पीक हिट किया और वापस डाउन आ गया। तो ओवर द पीरियड 8 किलोवाट का लोड था हमारा, पर ये ग्रेजुअली चढ़ा और ग्रेजुअली उतर गया, तो टोटल यूनिट हमारा खर्च हुआ 32 kWh सिस्टम, 32 kWh। तो इसको 32 kWh का मतलब क्या होता है ये बता रहा हूँ आपको मैं। 8 किलोवाट का लोड है, अगर हमने कुछ 5-6 घंटे चलाया पर वो स्टैगनेंट लोड पर नहीं चला, 8 किलोवाट पूरा लोड हमेशा नहीं रहा, 8 किलोवाट लोड कम ज़्यादा तो होते रहा, तो वो कम ज़्यादा वेरिएशन पकड़ के पूरा सिस्टम चला 32 किलोवाट का। हो सकता है स्टार्ट स्टॉप हो, वो जब प्रेशर आ रहा हूँ तभी स्टार्ट हो रहा हूँ, प्रेशर डाउन तो रुक जा रहा हूँ, ये सब फैक्टर आ गए यूनिट्स के अंदर, ठीक है। सेम चीज़ अगर यहाँ पकड़ते 8 kWh को बोल देगा, ये 8 kWh सिस्टम क्या होता है, ये देखिए मेरा, ये मेरा लो, ये भी टाइम है, ये पावर है, इसको ही सेम चीज़ चलती रहे टाइम के ऊपर, पर यहाँ पे थोड़ा पावर बढ़ गया, 2 किलोवाट तक चला, काफ़ी देर तक चला, फिर यहाँ उतर गया, पर अपना वो टोटल कंजम्पशन हुआ 8 kWh। हो सकता है 2 किलोवाट 6 घंटे के अंदर इतने टाइम रहा हो, 4 घंटे ओवर 6 घंटे, 4 घंटे वो पूरा रहता, 2 × 4 आपका हो गया 8, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो 2 किलोवाट आप प्लस माइनस करते हुए कुछ टाइम के बीच में बन चालू होते हुए पकड़ के उसने 8 किलोवाट पकड़ा उसको, 8 kWh। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये 8 kWh सिस्टम है, ये 22 kWh सिस्टम है। हो सब होप्स आपके डिफरेंस समझ में आया हो। और ये डिफरेंस आता है किलोवाट और किलोवाट आवर का, मैंने यही मेन डिफरेंस है पावर और एनर्जी के अंदर, किलो वाट इज पावर एंड kWh इज एनर्जी, ठीक है। ये पावर है और ये एनर्जी है। तो पावर रिक्वायर्ड फॉर द अप्लायंस टू वर्क एंड एनर्जी इट वॉज इट इज यूज ईच आवर फॉर द अप्लायंस इट इज ऑपरेटिंग, ठीक है। मतलब पावर इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो सकती है, तो मोटर आपने स्टार्ट किया 6 किलोवाट का उसने, या 10 एम्पेयर का उसने लोड ले लिया, तो ये अगर पावर कितना खींची उसने 10 एम्पेयर, एनर्जी कितना खींची 10 एम्पेयर, अगर उसने 2 घंटे कंटिन्यू चला या 1 घंटे 3 घंटे चला, उसको अगर हमने घंटों के हिसाब से बांटे तो होता है एनर्जी। बाय डिफॉल्ट एनर्जी गिनते हैं 1 घंटे के हिसाब से, के डब्ल्यू एच, एच बाय डिफॉल्ट 1 हो जाता है अगर गिनना है तो, अगर आपको डेफिनेट टाइम मालूम है तो आप वो आवर जोड़ सकते हैं उसके अंदर। और अच्छा एब्रीवेशन हो सकता है, पावर इज व्हाट, अगर हम इसको पाइपलाइन समझे और ये पानी बह रहा है, पावर इज लाइक अ फ्लो रेट ऑफ वाटर, पानी कितना फ्लो से बह रहा है ना, उसको कोई लेन देन नहीं है नीचे क्या है क्या नहीं, क्या भरने वाले हैं, उसको पानी का फ्लो क्या, आपने टैप खोले धड़ 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 पानी निकलने लग गया, वो होता है पावर, वो एक साथ जितना फ्लो निकल रहा है वो निकल रहा है। एनर्जी मतलब क्या होगा, द अमाउंट ऑफ वाटर द एंड्स अप इन द बकेट, मतलब वो बकेट में कितना पानी जमा हो गया, जो आपने फ्लो कम ज़्यादा हो सकता है, टैप आपने थोड़ा खोले थोड़ा बंद किया, थोड़ा खोले थोड़ा बंद किया, करते करते जब तक तो बकेट भरा, बकेट में कितना पानी भरा उसको एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड पावर इज एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये है बेसिक डिफरेंस दोनों का।
होप आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। कोई डाउट होता है प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूले रखिए, पावर इंटू टाइम एनर्जी, ये बेसिक फार्मूला है। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते एनर्जी आ जाता है, ठीक है। 100 किलोवाट का 3 घंटे चला तो 300 किलोवाट आवर आएगा, ठीक है। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।